आज की छोड़ो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो भाइयों की आयु का अनुपात आपको दे दे कितना है 5:8 और उनके बीच का अंतर कितना है, उनकी आयु का अंतर कितना है 12 वर्ष। तो हमसे ये पूछा है उनकी आयु कितनी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशियो दिया था आप यहाँ से लिख लीजिए, रेशियो कितना दिया दोनों के बीच का 5:8 दिया, आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या दिया, दोनों के बीच का क्या दिया, अंतर दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए अंतर कितने वर्ष का दिया है, 12 वर्ष का दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनकी आयु कितने वर्ष का अंतर, 12 वर्ष का अंतर है। अगर रेशियो में दोनों में अंतर किया जाए तो कितने का अंतर मिलेगा, यहाँ से 3 का अंतर मिलेगा। करना क्या आपको, इस अंतर से इस अंतर में क्या करना है, आपको भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 चौक 12, जितनी बार भाग जाएगी अगर इसका अलग इसमें गुणा कर देंगे और इसका अलग इसमें गुणा करें, आपको क्या पता चलिए, दोनों भाइयों की आयु आपको पता चल जाएगी। इसमें गुणा करें 4×5 20 हो गया। अब करने के इसका गुणा इसमें कर लेते 4×32 हो गया, अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों भाइयों की आयु कितनी है, एक 20 वर्ष का है और दूसरा कितने वर्ष का है, 32 वर्ष का। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर ये देखिए क्या दिया, अंतर दिया है, आपको करना कि यहाँ से रेशियो में अंतर करें, यहाँ से अंतर करें 3 का अंतर मिलेगा, इस अंतर से इस अंतर में भाग दे, 4 बार गया, जितनी बार भागे इसमें लाके गुणा कर दीजिए और इसमें लाके गुणा कर दीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 3 संख्याएं 4:5, 5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल आपको दे दिया जबकि तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया, इतना दिया है। तो पूछा क्या प्रश्न में, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल हमसे पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से रेशियो लिख लीजिए, रेशियो कितना दिया तीनों संख्याओं के बीच में, इतना दिया है। अब तीनों संख्याओं का क्या दिया, योग दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए कि योग कितना दिया तीनों संख्याओं का, 320। अब देखिए यहाँ से योग कितना दिया, 320 दिया है, लेकिन रेशियो में तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना मिलेगा, यहाँ से जोड़ लीजिए इनको तो 16 मिलेगा, कितना मिलेगा 16 मिलेगा। इस योग से इस योग में क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी। तो पूछा कि आपसे छोटी संख्या पूछा और बड़ी संख्या का योगफल पूछा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके पता करने का। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जितनी बार भाग गई अगर आप क्या करिए, छोटी वाली संख्या में लाके गुणा कर दिए, जो रेशियो में बड़ा होगा इसमें लाके गुणा कर दिए, तो आपको क्या पता चलिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको पता चलिए। तो पूछा कि दोनों का योगफल पूछा है ना, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आप ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। इसका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूछा क्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा है, तो आप करें क्या, रेशियो में दोनों को जोड़ लीजिए, रेशियो में क्या करना आपको, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या कर ले, रेशियो में जोड़ लीजिए। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल गया, 11 आपको मिलेगा। अब जितनी बार भाग गई इसका लाके इसमें गुणा कर दिए, अगर लाके गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 11×2 22 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा, 220 होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी गुणा करके यहाँ से जब जोड़ेंगे लास्ट में तो आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो भी ये ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 90 मेजों का क्रय मूल्य जो है 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछा क्या प्रश्न है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछा आपसे, प्रतिशत लाभ पूछा, तो पता करने के लिए आपको करना कि आपको क्या करना, वस्तुओं का अंतर करना है, यहाँ से दोनों का क्या करिए, अंतर करिए। अगर आप यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा आपको, यहाँ से 30 का मिलेगा।
आप नीचे क्या करना है, बेची गई क्या मेजों से आप भाग दें, कितना मेज बेच रहा है ये 60 मेज बेच रहा है, बटे 60। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया प्रतिशत लाभ पता करने के लिए, आपको करने के दोनों का अंतर करना है, तो अंतर कितने का मिलेगा 30 का मिलेगा, बट क्या करना है जो मेज बेच रहा है इससे क्या कर दीजिए भाग दीजिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। यहां से अगर यहां से काट दो तो कितना 30 दुना 60 हो गया, और यहां से इसको काट दो कितने में कटिए 50 बार में कटिए, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। सी ऑप्शन किसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया 50 का दिया, और दोनों संख्याओं के बीच का क्या दिया ये आपको अनुपात दे दिया, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो सबसे पहले जो दिया आप यहां से लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया 7:2। अब ये कहा गया दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया आपको यहां से 50 का अंतर, आप यहां से लिख लीजिए कि अंतर कितना दिया है 50 का। आपको करना है कि अगर रेशियो में दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा 5 का अंतर मिलेगा। यहां से दोनों के संख्याओं के अंतर कितना मिला रेशियो में 5 मिला, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया 50। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना आपको भाग देना है, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 10 बार जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी इसमें लाके गुणा कर देंगे तो आपको पहली संख्या पता चल जाएगी, इसमें लाके गुणा कर आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो यहां से गुणा करें कितना हो गया 70 हो गया, यहां से गुणा करें कितना हो गया 20 हो गया। अब संख्या आपको पता चल गई तो पूछा क्या गुणनफल पूछा संख्याओं का, इनका आपस में गुणा करिए, अगर गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो गया और 00 आपका बचा है, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 1400 होगा। सी ऑप्शन किसका मैच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी है हमसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी की वर्तमान आयु आपको बताना है, क्या मतलब क्या वर्तमान की बात हो रही है। आपके क्वेश्चन में दिया कि 6 साल पहले या 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था, इतना था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो प्रश्न में पूछा कि पी इस समय कितने वर्ष का, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो सबसे पहले जो दिया आप यहां से लिख लीजिए, ये P हो गया और ये Q हो गया, 6 साल पहले रेशियो ये था, तो आप यहां से लिख लीजिए कितना रेशियो 3:2, और ये रेशियो कब का ये 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर क्या कहा गया, 4 वर्ष बाद रेशियो ये हो जाएगा, तो आप यहां से लिख लीजिए 8:7 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद हो जाएगा ये 4 वर्ष बाद होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या, ऐसा करने के बाद जो भी समय मिलेगा, जो भी समय मिलेगा इसको क्या करना है साइड में लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के क्या करना आपको साइड में लिख लीजिए, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10 वर्ष आपको मिल जाए। अब करना क्या, आपको यहां से अंतर करना है और यहां से भी अंतर करना है, अगर यहां से अंतर करेंगे तो 5 का अंतर मिलेगा और यहां से भी अंतर करेंगे तो 5 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान है, यानी यहां से भी 5 का अंतर, यहां से भी 5 का अंतर, अंतर समान, तो आप यहां से क्या करेंगे 5 रेशियो 12 कितना हो गया 10 वर्ष, तो 5 रेशियो 12 कितना हो गया यहाँ से 10 वर्ष हो गया, ठीक है। और मुझे चाहिए कि हर हाल में यहाँ से 1 रेशियो का मान चाहिए, तो 1 रेशियो का मान पता करने के इससे क्या करना आपको भाग दे देना है, तो यहाँ से 1 रेशियो 12 कितना हो गया 5 × 10 हो गया। अगर आपको 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछा कि पी की वर्तमान आयु पूछा, इसमें देखिए क्या 6 साल पहले का रेशियो और ये 4 साल बाद का रेशियो, इसमें कोई वर्तमान का रेशियो है ही नहीं, आप चाहे किसी में भी ले जाके गुणा कर दिए, ठीक है। इसमें क्या कर दो, मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, अगर इसमें गुणा कर दू तो यहाँ से कितना हो गया 2×8 = 16 हो गया, ठीक है। ये पी की आयु आ गई है 16 वर्ष आ गई है, लेकिन कब की आई है 4 साल बाद की आई है, अगर 4 साल बाद पी 16 वर्ष का होगा तो आज की आयु पता करने के इसमें क्या करना, 4 आप घटा दीजिए, ठीक है। अगर पी क्या होगा 4 साल बाद 16 वर्ष का हो जाएगा, तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें से क्या करना आपको 4 घटाना, अगर 4 घटा देंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया, अर्थात आप बता सकते हैं कि इस समय पी कितने वर्ष का है 12 वर्ष का, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है।
अगर इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ गया, 3 × 6 आ गया। ये पी की आयु तो आ गई है, लेकिन कब की आई, 6 साल पहले की आई है। 6 साल पहले इस 6 वर्ष का था, तो आज की आयु पता करने के लिए क्या करें, इसमें 6 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 6 साल पहले का है, तो 6 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से भी आपका 12 आएगा और इस तरह से भी आपका आंसर 12 आएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, किसी एक तरीके से ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से क्या 26 वर्ष बड़ा है, बड़ा कहें या अंतर कहें, बात एक ही है, ठीक है। अंतर है या फिर क्या है, बड़ा है, बात एक ही है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आप यहां से लिख लीजिए, अगर ये पिता हो गए और ये पुत्र, क्या कहा गया प्रश्न में, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर मैं मान लू पुत्र कितना 1 वर्ष का है, तो पिता कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो कब का दिया आपको, 3 वर्ष बाद का दिया, रेशियो कब का दिया आपको, 3 वर्ष बाद का दिया। अब कहा क्या है, यहां से दोनों की आयु का अंतर कितना है, इतने का है, अंतर कहें या बड़ा कहें, आप यहां से लिख लीजिए, अंतर कितने का दिया है, 26 वर्ष का दिया है। अगर दोनों के बीच में रेशियो में अंतर किया है तो कितने का अंतर मिलेगा, यहां से 2 का अंतर मिलेगा। क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 26 का अंतर है, लेकिन रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 13 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, और पूछा कि पिता के ही पूछा ना, तो जितनी बार भाग जाएगी पिता वाले मिला के आप गुणा कर दीजिए। अगर गुणा कर देंगे तो 13 × 39 हो गई, ठीक है, 13 × 39। ये पिता की आयु आ गई है, लेकिन कब की आई है, 3 साल बाद की आई। ये रेशियो कब का है, 3 साल बाद का है, तो पिता की आयु पता चलिए 3 साल बाद ये कितने वर्ष के होंगे, 39 वर्ष के होंगे। तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें क्या करना, आपको 3 घटाना होगा, यही ना। तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें से 3 आप घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता इस समय कितने वर्ष के हैं, 36 वर्ष के। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी एक कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, दोनों मिलकर कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्यू अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो पी की कार्य करने की क्षमता वो क्या कि उसे 2 गुना है। अगर मैं मान लू यहाँ से ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है, जो पी की कार्य करने की क्षमता है क्यू से कितना है, 2 गुना है। अगर मैं मान लू ये 1 काम करेगा, तब तक ये कितना काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कार्य क्षमता दिया आपको, ठीक है। ये क्या दिया, सक्षम का मतलब क्या, कार्य क्षमता आपको दिया। फिर क्या कहा गया अगली लाइन से, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन कर देते हैं, 22 दिन में कर देते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर ले रहे हैं, ये 22 दिन में पूरा कर ले, ठीक है। ऐसा करने के बाद देखिए, यहां से अगर दोनों के कार्य मिला दिए, अगर पी और क्यू के दोनों के कार्य मिला दिए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन में कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं, 22 दिन में समाप्त कर ले, ठीक है। अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना, 6 काम करेंगे। 3 दिन में कितना करेंगे, 9 दिन में कितना, 9 काम करेंगे। तो इस तरह से टोटल कार्य पता करने के लिए इसमें क्या करना, आपको 3 से गुणा करना। अर्थात इन लोगों ने कितना 66 काम किया, कितना काम किया, इन लोगों ने 66 काम किया। अब ये 66 काम किससे करवाना है, टोटल यानी क्यू से करवाना है। तो क्यू एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा। अगर टोटल काम कितना 66 है, क्यू से करवाना, तो क्यू एक दिन कितना काम करा, 1 काम करा। इससे आप भाग दे देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 66 बार। अर्थात आप बता सकते हैं कि टोटल काम अगर किससे कराया जाए, क्यू से कराया जाए, तो क्यू कितना दिन लेगा, 66 दिन लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि एक दिन में कितना, 1 काम कर रहा है, 2 दिन में 2 काम करेगा। इस तरह से करना कितना, 66 काम करना। तो 66 काम करने में कितना दिन लेगा, 66 दिन आपका ले लेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।